नमस्कार दोस्तों और छात्र और गार्जियन कस्टमर देखने वाले, तो इसमें देखिए आज मैं बताऊंगा छीनी क्या होता है, जिसे अंग्रेजी चीजर कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को काटने के लिए तरह तरह के यूज करते थे, पर उसमें क्या लगता था, समय लगता था, मेहनत होता था, परंतु ऐसा क्या किया जाए जिसकी सहायता से जो समस्या आती थी वो ना होगा काम आ जाता है, वह है चीजर, जो जिसे हिंदी में छीनी कहते हैं। छीनी कितने प्रकार के होते हैं? छीनी दो प्रकार के होते हैं। कायदा छीनी यहाँ लिखा हुआ है, दो, 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 एक हार्ड चीजर और एक कोल्ड चीजर। हार्ड में गर्म छीनी होता है और कोल्ड में ठंडा छीनी होता है। अच्छा, पहले बताया हार्ड चीजर का होता है जो ब्लैक स्मिथ में लोहार गिरी गर्म चीज को काटने के लिए जो काटते थे, जिसकी सहायता से वो छीनी होता था, उसे गर्म छीनी कहा जाता था। कोल्ड चीजर क्या है? जैसे कि कोल्ड चीजर होता है जिस ठंडी अवस्था, ठंडी अवस्था में जैसे छड़ चीना चद्दर अन्य प्रकार की जो वस्तुएं काटी जाती है उसका उपयोग करते थे, उसे छीनी उपयोग करते हैं, वो कोल्ड चीजर ही उपयोग किया जाता है, वो छीनी है क्या जाता है। इसके बाद आइए पॉइंट के आधार पर छीनी पॉइंट छीनी ये सात प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए, फ्लैश छीनी, क्रॉस कट छीनी, डायमंड पॉइंट छीनी, हाफ राउंड छीनी, काउ माउथ छीनी, मतलब क्रो माउथ छीनी कहा जाता है क्रो। देखिए इसके बाद है खोखली छीनी, हाफ हाफ सेट छीनी और बेबर छीनी। यह वीडियो को मैं इसका विस्तार पूर्वक मैं डाला हूँ मास्टर माइंड प्लस में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए जब जाएंगे यह चीजर के बारे में पूरा डिटेल बताया हूँ और फिगर भी बताया हूँ दिखाया हूँ, जिस वीडियो में आकर जाकर देख सकते हैं।